नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मज़ा आया और थोड़ा सा लेट हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला। मज़ा आया और मैं पहली बार मसूरी आई हूँ, मतलब वैसे तो मसूरी आई हूँ पर परफॉर्मेंस मैंने पहली बार की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से विंटर लाइन कार्निवल में शो करना चाहती थी तो इस बार मैं आई और जितने भी लोग देखने आए थे उनका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत हल्ला रहा। तो जब ज़्यादा तालियाँ बजती हैं और लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो आर्टिस्ट को भी बहुत मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आया, दोबारा आना चाहूँगी मैं। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 2024 में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छा साल होने वाला है मेरे लिए। आई एम मैनिफेस्टिंग और एक बहुत अच्छी मूवी के लिए मैंने गाना किया है, तो दुआ कीजिएगा आप सभी, जल्दी वो रिलीज़ होगी और बहुत अच्छे अच्छे गाने, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। मैं इस तरीके से देखती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कहीं भी जाऊँगी, जैसे मुझे बॉलीवुड जाना है, कहीं भी जाना है या हिंदी बड़े जो भी चीज़ें हैं, बट मैं मुझे ना डांस करना सिर्फ पहाड़ी गानों में अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी जहाँ मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ मैं पहाड़ी गाना कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे रूट्स हैं, मुझे खुद इसमें मज़ा आता है और मैं अपने उत्तराखंड के लोगों से इतना प्यार करती हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो हमेशा ही मैं उनके लिए अच्छे अच्छे गाने उनको ऐसे एंटरटेन करती हूँ। लगता है कि पहले जो गाने होते थे वो एक टिपिकल तरीके से होते थे, कुछ उत्तराखंड के लोग ही उन्हें सुनते थे। अब जो हम गाने कर रहे हैं और भी, जैसे आप इंदर आर्य का गाना आपने सुना होगा जो पूरे इंडिया लेवल पे हमारे उत्तराखंड के गाने को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब लोग चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि पहाड़ी हो, तो लोग सब सुन रहे हैं, तो पहाड़ी गाने अब इंडिया लेवल पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल जापान में भी लोग सुन रहे हैं। तो यही हमारा मकसद है कि हम आगे और भी पहाड़ी गाने, जैसे पंजाबी गाने सब लोग सुनते हैं, पहाड़ी गाने भी सुने, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि थोड़ा फ्यूजन के साथ थोड़े नए लोगों को पसंद आए, पुराना को भी पसंद आए, पर थोड़ा इस तरीके से। टाउन हॉल में मज़ा आ गया उस क्राउड के बीच परफॉर्म करके। पिछले वर्ष भी मैंने यहाँ परफॉर्म किया था, समय थोड़ा कम था और आज पूरी सांस्कृतिक संध्या का जो लुत्फ मैंने किया, जो पब्लिक ने उठाया, जो पब्लिक झूमे, जो उन्होंने मज़े किए, तो उसमें एक कलाकार को अच्छा लगता कि जिस चीज के लिए उसको बुलाया गया, जिस कार्यक्रम को उसने प्रस्तुत किया, उसमें उनकी उस पब्लिक ने जो एंजॉय किया वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि नहीं, जो लोग मेरे को सुनने आए थे वो खुश होकर वापस गए। वो प्रकृति का नियम परिवर्तन है, समाज में ये चीजें बदलते परिवेश में जो है ना जरूरी भी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर संगीत की बात करें, पारंपरिक जो गीत है, पुराने जो गीत है, जो हमारे उन लोगों ने गाए जो आज हमारे लिए धरोहर माने जाते हैं, उनके गीतों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आप नया अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए आप गाने गा लीजिए, फिल्मी धुनों पे आप गाने ना बनाइए, पंजाबी धुनों पे आप गाने ना बनाइए, अपने गानों में आप फ्यूजन कीजिए, अपने गानों में आप कोई नई चीजें कीजिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए जो लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई पुराना गाना जो पॉपुलर हुआ है, जो हमारे बुजुर्गों ने सुना है, हमारे बच्चों ने सुना है और दूसरे लोगों ने सुना, उस पे आप जाके बीच में हू हा ठा ठा करके उसको अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करें, वो शायद संस्कृति के साथ भी छेड़खान है। और हमारे कलाकार जो हमारे पुराने बुजुर्ग ओल्ड कलाकार हैं, जिन्होंने उस संस्कृति को बनाया, जिनकी बदौलत आज हम मंचों पे जाते हैं, जिनकी बदौलत आज संस्कृति को सुना जाता है, जिनकी बदौलत हम आप अपने आप को बोलते हैं आज हम भी बड़े शो कर रहे हैं, अगर आप उनकी संस्कृति को खराब कर लोगे जिन्होंने संजोई है, तो आने वाली पीढ़ी जो है शायद संस्कृति के प्रति इतने जागरूक नहीं होने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है सीमा के अंदर होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए गीत संगीत के अंदर, अच्छे शब्दों का आचरण होना चाहिए, अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, लेकिन पुराने गीतों के मैं खिलाफ हूँ कि पुराने गीतों के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। नए गाने बनाइए, अपने गाने बनाइए। की बात करूँ, पिछले वर्ष भी आया था तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस बार बुलाया जाएगा दोबारा, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीट सिंगर बहुत कम होता है। तो मुझे अच्छा लगा कि जब मुझे यहाँ से एसडीएम साहब का फोन आया, कमेटी का फोन आया, मीडिया का फोन आया कि आपके ऊपर चर्चा चल रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने पिछले वर्ष बहुत अच्छा किया। और जब मुझे ये बात कही गई कि आप पिछले वर्ष जब आए थे तो बेहतर आपने प्रस्तुति दी थी, तो उन लोगों की डिमांड है कि विकी चौहान को दोबारा बुलाए, तो शायद वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है कि लोग मुझे इतना प्यार करते, लोग मुझे बुला रहे हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कमा सकता हूँ।